Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter, The Rat Trap. So yesterday we studied about how this rat trapper, the person who sells rat trap is in that iron mill, and the owner of that iron mill came to see him and he recognized him as somebody else. And apparently he said yes, that yeah, I am that person, you recognize me very well. And now the owner is forcing him to come to his house and then enjoy the Christmas Eve. But the stranger, that rat trap seller, is now denying it, and he's thinking that this is just like voluntarily throw yourself into that lion's den. So again, we will start from here. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. अब यहाँ पर बोला जा रहा है वो सिर्फ चाह रहा था कि वो इस forge में सो जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद में चुपचाप से निकल जाए. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. और iron master यानी कि जो owner था iron mill का, उसको लग रहा था कि ये शायद शर्मिंदा feel कर रहा है अपने खराब कपड़ों की वजह से, इसलिए मेरे साथ में ये मेरे घर नहीं चल रहा है. तब आयरन मास्टर कहता है, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर. अब वो कहता है कि तुम ऐसा प्लीज ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत आलीशान घर है जहाँ पे तुम अपने आप को दिखा नहीं सकते, यानी तुम वहां पे विजिट नहीं कर सकते. ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. एलिजाबेथ जो है वो मर चुकी है जैसा कि तुमने पहले सुना ही था, और मेरे जो लड़के हैं वो अब्रॉड रहते हैं यानी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और घर पे कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी के और मेरे. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. और मुझे हम आपस में बात कर ही रहे थे कि बहुत बुरा है कि हमारे पास क्रिसमस एंजॉय करने के लिए कोई कंपनी या कोई गेस्ट नहीं है. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो क्रिसमस के खाने को जल्दी से जल्दी गायब करने में. ये आयरन मास्टर कह रहा है स्ट्रेंजर से. But the stranger said no. And no, and again no, and the iron master saw that he must give in. और फिर stranger जो है वो बोलता है नहीं नहीं, और फिर दोबारा बोलता है नहीं, लेकिन iron master जो है वो देखता है कि वो उसने given कर दिया है. It looks as though Captain Von Stanley preferred to stay with you tonight. Sandgerstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टैनल जो है प्रेफर करेंगे कि आज वो तुम्हारे साथ ही रुके, सेंट जर्नस्ट्रॉम, और वो ये कहते हुए मास्टर ब्लैकस्मिथ की तरफ बढ़ता है, अपने हील्स अपने पैरों को बोटता है. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो हंसता है जैसे ही वो दूर जाता है. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. जो ब्लैकस्मिथ होता है वो अच्छे से जानता है अपने आयरन मास्टर को, और वो समझ चुका होता है कि अभी तक इन्होंने अपनी बात कंप्लीट नहीं करी है. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज. और आधा घंटा जो होता है उससे ज्यादा समय नहीं हुआ होता है कि जब तक ही उनको वो सुनाई देती है कैरिज के जो पहिए होते हैं उसकी आवाज फोर्ज के बाहर उनको सुनाई देती है. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. और एक नया गेस्ट इस बार आता है और इस बार आयरन मास्टर नहीं आता है. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. और इस बार उन्होंने अपनी बेटी को भेजा होता है कि उनको लगता है कि जो चीज वो नहीं कर पाए, जो स्ट्रेंजर को वो नहीं मना पाए, तो हो सकता है कि जो उनकी बेटी है वो ज्यादा अच्छे से उनको समझा पाए और अपने साथ में लेके आ सके. She entered and followed by a valet. Carrying on his arm a big fur coat. वो एंटर करती है और उनके साथ में एक वैले होता है जो उनका, और वो अपने आर्म पर लेके चल रहा होता है उनका एक बड़ा फर कोट. She was not at all pretty. वो बिल्कुल pretty नहीं थी, but seemed modest and quite shy. वो modest लग रही थी और बहुत ही शर्मीली भी लग रही थी. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. और forge के अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसे कि वो पहले था, उस शाम में पहले था, वैसे ही था सब कुछ. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and the iron charcoal still glowed in the furnace. Blacksmith और उसका apprentice जो अभी बैठे हुए थे बेंच पर, और iron और charcoal जो अभी भी भट्टी के अंदर जल रहे थे.
The stranger had stretched himself out on the floor and play with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. अब stranger जो है उसने stretch कर लिया था अपने आप को, यानी वो floor पे लेट चुका था और उसकी नीचे पिग आयरन का एक टुकड़ा लगा हुआ था सर के नीचे और उसने अपनी हेड जो है अपनी आंखों पर रख ली थी. As soon as a young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. जैसे ही young girl ने उसकी तरफ देखा, वो उसकी तरफ गई और उसकी हेड उठाती, उसके मुंह पे से हेड उठाई. The man was evidently used to sleeping with one eye open. और जो man था, वो हमेशा एक आँख खोल के ही सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. और वो एकदम से उठ करके खड़ा होता है और वो एकदम डर जाता है. My name is Edla Wilmanson. मेरा नाम एटला विल्मेंसन है, said the young girl. Young girl बोलती है, my father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे आज फोर्ज में ही सोना चाहते हैं और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि आप मुझे जाने दीजिए और मैं आपको लेकर के हमारे साथ घर लेकर के आऊंगी. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. कैप्टन, अब ये उस रेड ट्रैप सेलर को कैप्टन ही कहकर के संबोधित कर रही है, बुला रही है और ये कह रही है कि मुझे बहुत दुख है कि आपका इतना बुरा समय चल रहा है. She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. वो उसकी तरफ बहुत ही compassionately देख रही होती है, उनकी आंखें भरी आती हैं उस डॉटर की, मतलब उस यंग बच्ची की, और वो नोटिस करती है कि जो कैप्टन है वो डरे हुए हैं. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो उन्होंने कुछ चोरी किया है कहीं से या फिर ये जेल से भागा है. She thought, वो सोचती है. And added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. अब ये उनको अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती है कि कैप्टन आप जब भी चाहेंगे आप वहां से जा सकते हैं और आप फ्री हैं इस चीज को लेकर के, आप किसी भी चीज को लेकर के वो मत परेशान मत होइए. You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave. सिर्फ हमारे साथ में क्रिसमस ईव तक भले ही रुक जाइए. अब ये रिक्वेस्ट कर रही है हमसे कि आपको जब जाना हो आप चले जाइएगा, बस क्रिसमस ईव तक रुक जाइए. She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. वो उस बच्ची ने इतने अच्छे तरीके से बोला, इतने फ्रेंडली मैनर में बोला कि रेड ट्रैप पेलर जो है रेडी हो गया, किसको कॉन्फिडेंस आ गया. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड. वो कहता है मुझे कभी भी ये ऐसा नहीं लगा कि आपको मेरी प्रेजेंस से कुछ परेशानी हुई हो. आई विल कम एट वंस, मैं एक बार में ही चल लेता हूँ. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो एक्सेप्ट करता है फर कोट. Which the valet handed him with a deep bow, जो कि उन्हें वो फर कोट कौन देता है, valet जो आया होता है जिसके हाथ में वो फर कोट होता है, वो झुक करके और उनको दे देता है valet. Threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage. अब वो अपने उसको ऊपर पहन लेता है अपने पुराने फूटे हुए पुराने कपड़ों के ऊपर और फिर यंग लेडी के पीछे चलता है कैरेज में. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, और वो बिना ध्यान दिए हुए ब्लैकस्मिथ की तरफ देखे बिना ही वहां चले जाता है. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोडिंग्स, जैसे ही वो मैनर हाउस में जा रहा होता है उसके मन में गंदे विचार आने लगते हैं. व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मैंने अब उसको बुरे, मतलब जो उसने बुरे काम किए होते हैं उसका विचार आ रहा होता है कि मैंने उतने उस फेलो के मतलब पैसे क्यों लिए. ही थॉट, वो सोच रहा है कि वो 30 क्रूनूर जो उसने चुराए होते हैं मैंने क्यों लिए. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल गेट नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब इसको वापस से वही विचार आता है कि अब मैं पिंजरे में फंस चुका हूँ और वैसे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और दूसरे दिन क्रिसमस ईव होती है. एंड वेन देयर ओन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हुम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली. अब दूसरे दिन जब उसके घर का मालिक जो है वो डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसके चेहरे पे एक भाव होता है संतुष्टि का, सेटिस्फेक्शन का, कि आज वो अपने पुराने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट करेगा, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर.
who was busy at the table. अब वो अपनी बेटी से कहते हैं कि पहले सबसे पहले तो हमें इनको कुछ अच्छा खिलाना पिलाना होगा जिससे इनकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़े, जो कि ये अपनी बेटी से कहते हैं और वो उनकी बेटी जो है टेबल पर थोड़ा बिजी थी. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स. और फिर हमें कुछ देखना होगा कि ये कुछ और कर सके बजाय गली गली में जाकर के रेड ट्रैप्स बेचने के अलावा. इट इज few years that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Ab daughter kehti ki ye bahut hi bura hua hai ki unke sath mein cheeze itni kharab hoti gayi. And last night, did I not think there were anything about him to show that he had once been an educated man? Aur last night unko dekh kar ke aisa lag hi nahi raha tha ki kabhi ek zamane mein ye bahut acche padhe likhe vyakti rahe hain. You must have patience, my little girl, said the father. Ab ye unke apni beti ko bol rahi hai ki abhi thoda dhairya rakho meri beti. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. As soon as ki jaise hi jitni jaldi ye saaf ho jayenge, nah dho lenge aur acche kapde pehen lenge, to tumhe kuch different dekhne ko milega. Last night he was naturally embarrassed. Aur pichli raat jo wo naturally embarrassed the, bahut hi sharminda the. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Tramp manners bhi uske saath mein se chale jayenge jab wo tramp kapde chhod dega. Yani khalat manners jo hain wo bhi chale jayenge अनपढ़ों वाले जब वो कपड़े उतार देंगे और नए साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे. जस्ट एज ही सेड दिस डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही उन्होंने कहा था उसी समय स्ट्रेंजर दरवाजा खोलता है और एंटर होता है. यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. और हाँ अब वो बिल्कुल साफ सुथरे और तरीके से ड्रेस्ड थे. द वैलेट हैड बेथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम. वैलेट ने उनको नहलाया था और उनके बाल काटे और उनकी शेविंग भी की. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और इसके अलावा वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो कि उन्होंने जो स्ट्रेंजर था उसको आयरन मास्टर ने दिए थे, आयरन मास्टर ने प्रोवाइड कराए थे. सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से उनकी छोटी बेटी जो आयरन मास्टर की मतलब एल्डर बेटी जो है वो आती है और इनको फोर्स करती है कि आप चलिए हमारे घर और कम से कम हमारे साथ में ईव जो है क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कीजिए और भले ही आप कभी भी जा सकते हैं जब आपका मन हो छोड़ के जा सकते हैं, बस क्रिसमस हमारे साथ में मना लीजिए बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंपनी एंड इट वुड बी गुड अगर आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा. और वो मान जाते हैं और फिर उसके बाद में वो स्ट्रेंजर जब बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं अब फंस चुका हूँ इस ट्रैप के अंदर और मैं इससे कभी नहीं निकल पाऊंगा, मैंने उस भले आदमी के 30 crore क्यों चुराया. अब इनको वही अपनी बातें याद आ रही हैं. तो लेट्स सी क्या होता है आगे जाकर के. वी विल डिस्कस दिस इन टुमारोज़ क्लास. हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल.